साथियों, आप लोग देख रहे हो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लालू प्रसाद जी को लेकर के सिंगापुर से बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लालू प्रसाद जी के फैंस और चाहने वालों में चिंता की लकीरें उमड़ पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद जी अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए सिंगापुर गए थे। लालू प्रसाद जी की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिताजी को डोनेट की, उन्होंने सोशल मीडिया द्वारा बहुत ही बड़ी जानकारी दी है। बताया है कि मेरे पिताजी की हालत इस समय नासाज बनी हुई है। जी हाँ, और उनकी बॉडी में कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ डॉक्टरों का कहना है कि उनका स्वास्थ्य जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है उनका स्वास्थ्य ठीक होने में। मैं आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद जी की सेहत इस समय थोड़ी सी नाजुक बताई हुई जा रही है। आप सभी लोग इस तरह से दुआएं कामनाएं करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और वापस अपने इंडिया जाएं। हम सब यही चाहते हैं ऐसे दिग्गज होनहार नेताओं को ईश्वर जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे। रोहिणी आचार्य ने बताया कि मेरे पिताजी की हालत इस समय नाजुक बनी हुई है, बॉडी में कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप लोग इस तरह से दुआएं कामनाएं जरूर करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। हम सब यही इस तरह से दुआएं कामनाएं करते हैं कि लालू प्रसाद जी को ईश्वर जल्द से जल्द ठीक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।